हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ बेल पोणा का रेसिपी, पूरा हेल्दी और टेस्टी बेल शरबत व बेल पोणा कुछ भी आप बोल सकते। बेल एक ऐसे फ्रूट है, इसमें ना केमिकल होता है ना ऐसे कुछ, पूरा नेचुरल फ्रूट है और बहुत हेल्दी है। ये खाने में बहुत फायदेमंद मिलता है शरीर के लिए, लूज मोशन वगैरह होता है ना जिसका, तो ये बेल पुणा पीने से मेडिसिन से भी ये फास्ट काम करता है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। और ये ज़्यादा करके उड़ीसा में उसको बेल पुणा में ही परिचित है, और ये पुणा संक्रांति का दिन हर घर में बनता है और ये सच में बच्चा से बूढ़ा सबको पसंद होता है और डिफरेंट तरीका से उड़ीसा में बनता है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी थोड़ा डिफरेंस, और मेरा वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप ना करें। मैंने कैसे बनाया, क्या क्या डाला, आप वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए मेरा वीडियो को, और मेरा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेल पोणा के लिए चाहिए बेल, देखिए मैंने बेल एक लिया, ये पका वाला पूरा बेल लिया मैंने, और उसको तोड़ेंगे। देखिए मैंने तोड़ दिया, और उसके बाद एक चम्मच लिया मैंने, देखिए, और एक बाउल लेंगे बड़ा वाला। मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें हम निकाल देंगे बेल को, पूरा क्लीन करेंगे चम्मच से ही निकाल देंगे, इस तरह आराम से निकाल जाएगी बेल। ये पूरा पका हुआ है ना, कच्चा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, पूरा पका हुआ है। और ये देखिए पूरा आराम से निकल रहा है, पूरा क्लीन कर दिया मैंने और आराम से क्लीन हो जाता है इस तरह, देखिए क्लीन हो गया पूरा। और दूसरा वाला भी है, जो आधा बेल है उसको भी इस तरह ही साफ कर देंगे। और देखिए इकट्ठा कर दिया मैंने और पूरा क्लीन हो गया, देखिए सुंदर भाव है। अभी हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे, चलिए मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ये फ्रीज पानी है, ठंडा पानी मैंने लिया है और बिल्कुल चिल्ड नहीं है, नॉर्मल ठंडा है। तो मैंने पानी ऐड कर दिया और इस तरह देखिए एक चम्मच ले जाइए, और चम्मच से इस तरह मैंने आपका हिसाब से आप कैसे कर सकते, और देखिए इस तरह भी आप चम्मच ले सकते और इस तरह देखिए दबाते जाइए, और मैंने दबा दिया इस तरह से देखिए। और उसके बाद ना आप हाथों से भी आप मसल सकते इस तरह, देखिए मैंने हाथों से भी मसल दिया, और लेकिन मुझे ना कंटा चम्मच से अच्छा लगा और धागा भी पूरा अच्छा से निकल जाएगी, और मैं चम्मच से ही ज़्यादा किया, दबा दिया ज़्यादा। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए हाथों से इस तरह मसल दिया, और उसके बाद मैंने चम्मच से ही इस तरह देखिए दबा दिया, और उसके बाद ये धागा और ये बीज पूरा अलग हो जाएगी। मैंने फिर पानी ऐड कर दिया, क्यों ना ये बहुत गाढ़ा हो गया था। और देखिए अभी एक स्टेनर में उसको छान देंगे और धागा बीज अलग हो जाएगी। और ये देखिए मैंने एक बड़ा वाला एक बाउल लिया, और उसके बाद उसके ऊपर स्टेनर रख दिया और छान देंगे। देखिए मैंने डाल दिया जितना भी बेल पोणा है, और एक चम्मच लेंगे, चम्मच से इस तरह हिलाते जाइए और आराम से पूरा ये छान के निकल जाएगी धागा और बीज अलग हो जाएगी। और ये देखिए पूरा अलग हो गया, धागा और बीज अलग हो गया, और ये देखिए बेल शरबत पूरा कितना गाढ़ा है और पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा एक भी धागा बीज नहीं है क्योंकि मैंने छान दिया। इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच मैंने लिया हनी, और चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेल तो ऐसे ही मीठा रहता है, और मैंने इसलिए चीनी ऐड नहीं किया, बस हनी ही ऐड किया, उसको मिला दिया। और उसके बाद मैंने ग्लास लिया दो, देखिए, और ग्लास में हम ऐड करेंगे
दो टुकड़ा मैंने बर्फ का टुकड़ा ऐड किया, देखिए दोनों ग्लास में, और ठंडा ठंडा पीने में अच्छा लगता है। और उसके बाद ऐड करेंगे बेल पोणा बा बेल शरबत, बेल का जूस भी बोल सकते हैं। और देखिए मैंने जूस ऐड कर दिया ग्लास में, और इसमें मैं ऐड करूँगी हल्का काला नमक, और काला नमक देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगी, और बहुत अच्छा टेस्ट देता है काला नमक डालने से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का, देखिए इतना सा, एक पिंच करीब मैं डालूँगी। और इस तरह आप भी बनाइए, एक दिन एक बार बनाइए, सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी मीठा बूंदी, देखिए एक चम्मच मैंने मीठा बूंदी ऐड करूँगी। और ओडिशा में ऐसे ही बनता है, मीठा बूंदी ऐड करते और फ्रूट इसमें ऐड करते, जैसे कि अंगूर सेब और छोटा छोटा पीसेस में उसमें डालते हैं, और अनार का दाना ये सब, केला वगैरह ये सब डाला जाता है, और इतना टेस्टी लगता है ना, क्या बताऊँ आपको, ऐसे ही ओडिशा में बनता है। और मैं उसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट, देखिए बूंदी ऐड कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सजा दूंगी ड्राई फ्रूट से, पिस्ता बादाम काजू मैंने लिया, देखिए इस तरह छोटा छोटा बारीक बारीक काट दिया, और उसके ऊपर मैंने सजा दिया। और ये खाने में सच में इतना टेस्टी है और हेल्दी है, सबको पता ही ये हेल्दी है। और ऊपर मैंने थोड़ा और थोड़ा बूंदी ऐड कर दिया दो दो, और देखिए ये कितना सुंदर देखने में और पूरा यम्मी और टेस्टी दिखाई दे रहा है। और कैसे लगा आप लोगों को मेरा बेल पोणा बनाने का तरीका, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।